हमारा प्रचना 107.8 FM। मैं हूं दीक्षा आपके साथ और आज फिर से वक्त है एक खास मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ जो दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी है, जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन, वो शख्सियत जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर हफ्ते हम ऐसे ही एक खास शख्सियत की मुलाकात कराते हैं और आज एक खास मुलाकात कराने वाले हैं हम फरीदाबाद शहर के नहीं बल्कि देश के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हर घर में इस्तेमाल होते हैं। हर घर हर व्यक्ति ने उनका स्वाद चखा और सच कहूं तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हमारे बीच आज स्टूडियो में मौजूद हैं परफेक्ट ब्रेड ऑफ कंपनीज के CMD श्री एच के बत्रा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक खास मुलाकात। सर सबसे पहले तो जानना चाहूंगी आप मानव रचना के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो आज इस स्टूडियो में आकर कैसा महसूस करें, क्योंकि आज हम बिजनेस की कोई बात नहीं करने वाले, आपके जीवन के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसी स्टोरी आपसे जानना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी की सक्सेसफुल स्टोरी या फिर सक्सेस स्टोरी कही जा सकती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने परिवार में अपने खुद के इस संस्थान में आया हूँ, क्योंकि जब इस संस्थान की नींव रखी जा रही थी तो तब भी हम थे। डॉक्टर स्वर्गीय को बुला था, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, मेरे बड़े भाई थे और 1997 की बाद हमने टीन शेड से अपना बैठना स्टार्ट किया था, ऑफिस जो होता था और इस नई बिल्डिंग की जहाँ आज बैठे हैं कि ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो नींव रखी गई थी मेन ब्लॉक की, ये ब्लॉक की। तो ऐसा लगता है जब से जुड़ाव आना जाना रहा हमारा, काफ़ी आते जाते रहे, अभी जाके पीछे कम हुआ, लेकिन जब भी आते हैं अपने परिवार में आते हैं ऐसा फीलिंग आती है। बिल्कुल परिवार वाली फीलिंग रहती है। बत्रा जी सबसे पहले जानना चाहिए परफेक्ट ब्रेड ग्रुप ऑफ कंपनीज एक ऐसा नाम है जो हर घर में जाना पहचाना नाम है। आप सिंपल सी ब्रेड खरीदने जाते हैं या कुकीज खरीदने जाते हैं या फिर मफिन्स खरीदने जाते हैं, सबसे पहले आपको परफेक्ट ब्रेड एक ब्रांड दिखाई देता है और हर गृहिणी ये चाहती है कि अगर घर में ब्रेड आ रही है तो परफेक्ट क्या है। तो ये परफेक्ट ब्रेड की शुरुआत कैसे, परफेक्ट ब्रेड की शुरुआत 1993 में जब मैं फरीदाबाद आया था दिल्ली से शिफ्ट कर माइग्रेट करके, तो हमने एक स्मॉल यूनिट लिया था पलवल के पास अथीन इंडस्ट्रियल एरिया में, वहाँ से हमने स्टार्ट की परफेक्ट ब्रेड की अपनी मैन्युफैक्चरिंग। और मेरा एक ही ध्येय था, एक ही मोटिव था कि क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे, ठीक रेट प्राइस पे जो कि कंज्यूमर पे कर सके, उसको अच्छी क्वालिटी मिले और वो नाम को रिकॉल कर सके और उसके टेस्ट को डेवलप कर सके और उसको अपने दिमाग में बैठा सके और दोबारा उसकी मांग कर सके। इसी नीति के तहत हम अपना काम करते गए, आगे बढ़ते गए और लोगों के विश्वास जमता गया, लोगों के विश्वास पे हम उनके खड़े उतरे और उन्होंने हमारे को बड़ा प्यार दिया और हमारे प्रोडक्ट को पास किया। बत्रा जी परफेक्ट ब्रेड की शुरुआत आपने 1993 में दिल्ली से आकर फरीदाबाद में आपने शुरुआत करी, अथीन एरिया में आपने कंपनी की शुरुआत की। ये मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्या आप पहले से बेकरी प्रोडक्ट्स की या इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने की ट्रेनिंग थी या समझ थी जो आपने शुरुआत करी, क्योंकि फरीदाबाद में खाने पीने की चीजें जरा कमी उस दौर में बना करती। पहले दिल्ली में हमारा अपना जो है फायरवुड छोटी बेकरी का बिजनेस था, फैमिली बिजनेस, और लेकिन जब फैमिली में डिवीजन हुआ तो मैं फरीदाबाद शिफ्ट कर गया। तो फरीदाबाद मैंने अपना ऑटोमेटिक अपना फैक्ट्री स्टार्ट की और अपना फार्म स्टार्ट किया और उसी के तहत करते करते हम अपना 97 में एक लक्ष्य कंपनी जो कि हमारी बहुत बड़ा प्लांट यूनिट था ऑटोमेशन के साथ, हम फरीदाबाद 87 सेक्टर में लगाया और वहाँ से हमने पढ़ते गए और उसके साथ दूसरी लाइन लगाई 2001 में। फिर हमने हमें लगा कि ब्रेड और ब्रेड के अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए, तो हमने बेकरी प्रोडक्ट्स की अलग से यूनिट लगाई और उसके बाद हम ऐसे धीरे धीरे फैलना स्टार्ट किया। हम हरिद्वार में अपना परफेक्ट फूड इंडस्ट्री के नाम से सिल्कुल इंडस्ट्री एरिया में अपनी यूनिट लगाई और जो कि उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी के एरिया में कवर कर लेते और अच्छे ढंग से चल रही थे। और इसके अलावा अम्बाला फूड पार्क में
जो कि HSRDC द्वारा बनाया गया है उसमें इन्होंने लगाया। तो इस तरह हमारा ये ब्लड जर्नी हमारी पांच जगह से स्टार्ट हुई और जो आज तक चल रही है। और ऐसे लगा कि मुझे लगा कि लोग बोलते हैं कि ब्रेड को हमारे को मिलती है यहाँ परफेक्ट ब्रेड और हम इसको अपना लाइक करते हैं, लेकिन केक और बिस्किट के लिए, कुकीज के लिए या दूसरे प्रोडक्ट के लिए हमें दूसरे ब्रांड की तरफ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, स्पेशली बच्चों को अगर पढ़ रहे हो तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरी मैंने लोगों से वादा किया कि आपको बेकरी प्रोडक्ट के लिए कम से कम फिजाबाद वालों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरा मानना है कि मैं अपनी मॉडल बेकरी शॉप बनाया जिसमें 200 वेरियस मल्टी प्रोडक्ट्स बेकरी के बनाए, केक्स पेस्ट्रीज अपने ऐसे हमने ढंग से बनाए कि जो कि 5-स्टार होटल से अच्छे हम अपनी टेस्ट और अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन और अच्छे ढंग से डिजाइन थे उनके और लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, हाथों हाथ लिया। और आज इतनी हमारी बेटियाँ जो फिजाबाद से हमारा दिल्ली शादी की है या दिल्ली से बाहर की हैं, हमारे परफेक्ट बेकरी केक और अपना बास्केट से बेकरी प्रोडक्ट्स की बास्केट वो अपने घरों में बड़े शौक से ले जाती हैं मिठाई की जगह, ये दिखाते हैं अपने मायके में कि हम अपने फिजाबाद से जो है परफेक्ट बेक का इस्तेमाल ले गए हैं और बड़े शौक से खाते हैं और बड़े अच्छी फीडबैक हम जो भी मिलती है हम उसको सुधार करते जाते हैं। आज हम दावा करते हैं कि हम नॉर्थ इंडिया की और नंबर वन अपना परफेक्ट ब्रेड कमर्शियल के अलावा रिटेल में भी हम नंबर वन है जो बेकरी सेगमेंट में है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जब हम छोटे हुआ करते थे बचपन में तो हम परफेक्ट ब्रेड हमारे घर नॉर्मली आती थी, आज भी आती है, लेकिन एक दिन उसको पलट के देखा तो उसमें फरीदाबाद लिखा हुआ था, तो देख कर एक अपनापन सी फीलिंग आ जाती कि आप फरीदाबाद के हो और इतना बड़ा ब्रांड जो पूरे देश में मिल रहा है वो आपके अपने शहर का है, तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग आती। एचके मित्रा जी, जब भी कोई बिजनेस बनाते हैं खड़ा करते हैं तो बहुत से चैलेंजेस आते हैं और ये सिर्फ एक बिजनेसमैन जानता है जो धीरे धीरे करके सीढ़ियां चढ़ रहा होता है, आम जनता को नहीं पता चलता कि इतने सक्सेसफुल नाम के पीछे कितने चैलेंजेस और कितनी परेशानियां भी छुपी होती हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ सक्सेस दिखाई देती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक ऐसी मार्केट इंडिया में है ब्रेड जो कि डबल रोटी के नाम से फेमस और कितने सालों से हिंदुस्तान में चल रही, कभी कागज में लिपट के आती थी, थोड़े थोड़े पीसेस मिलते थे, लोग अलग अलग से खरीदते थे, चाय की दुकान हो चाहे कोई ऑमलेट का स्टॉल हो या फिर 5-स्टार हो, हर जगह ब्रेड का इस्तेमाल होता है। तो एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में किस तरीके से परफेक्ट ब्रेड का ब्रांड बनाने में आपको किस तरीके के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और आज भी करना पड़ता है? एक तो सबसे पहले हमारा इतना पहली पेरिशेबल प्रोडक्ट है, इसकी सेल्फ लाइफ मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है और क्वालिटी मेंटेन करना, एक सॉफ्ट भी ना हो, हार्ड ज़्यादा सॉफ्ट नहीं चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं चाहिए, दोनों का बैलेंस मेंटेन करना और क्वालिटी का जो टेस्ट है अपना उसको मेंटेन करना, तो फिर प्राइस से मैच करना क्वालिटी को, जो कॉम्पिटिटिव अपना कॉम्पिटिटर से लड़ना है प्राइस, आपने जो मार्केट में प्राइस ऑलमोस्ट सभी के सेम है उसी के मुताबिक क्वालिटी देनी है, क्वालिटी और अच्छी बन सकती है और अच्छे इंग्रेडिएंट डाल के और अच्छा मटेरियल डाल के, लेकिन प्राइस नहीं मिल पाता क्योंकि मेन कमर्शियल प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ प्राइस को भी देखना पड़ता है, उस प्राइस को मैच करने के साथ बड़ा अपने आप में चैलेंज रहता है और जो कि हमने मेंटेन किया, इस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए प्राइस को भी हमने मैच किया और कंपनी अपना जो है लोगों के बीच में हम अपने उनके टेस्ट के मुताबिक खड़े उतरे, हाइजीन के मुकाबले में हम खड़े उतरे, परिशेबल के मुकाबले हम खड़े उतरे, हर लिहाज से हर पैरामीटर से हमने खड़े उतरे। केवली इसी कड़ी में मैंने अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने 4 नेशनल अवार्ड मैंने अपना जीते जो कि किसी भी अपनी उत्पादक ब्रेड मैन्युफैक्चर के लिए एक बड़ी बात है और किसी ने नहीं लिया आज तक। 2006 का क्वालिटी अवार्ड नेशनल अवार्ड, 2009 का, 2012 का आउट फॉर आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप का, 2016 का अगेन क्वालिटी प्रोडक्ट्स का, 4 अवार्ड नेशनल अवार्ड जो 3 प्रधानमंत्री द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिए गए और एक हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा दिया गया, विज्ञान भवन में 4 प्रोग्राम हुए और उसमें अपना जो है एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात है
कि फिजावर फिल्म इंडस्ट्रीज को और पूरे भारत के अपने किसी मैन्युफैक्चर को मिले, ये बहुत गर्व की बात है। सभी चैलेंजेस को पार करते हुए, सभी अपनी पैरामीटर्स को खड़े उतरते हुए हमें ये प्राप्त हुई है। बिल्कुल, बहुत गर्व की बात है और पूरे शहर के लिए गर्व की बात है कि एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने एक फैक्ट्री की शुरुआत करी, एक फूड प्लांट की शुरुआत करी, वो प्लांट फैलते फैलते पूरे देश में बढ़ रहा है और पूरे देश के जायके और किचन में अपनी एंट्री करना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं बहुत चूजी होती हैं चीज़ों को लेने में, तो उनकी पसंद पर खड़े उतरना बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो बत्रा जी, हाल ही में आपकी अचीवमेंट्स आपने अभी गिनाई और एक बहुत अच्छी बात ये रही कि आपको हाल ही में मानव रचना द्वारा PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया, ऑनरेरी स्कॉलर से सम्मानित किया गया, तो ये मोमेंट कैसा रहा आपके जीवन में? ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि रही, शुक्रगुजार हूँ मानव रचना परिवार का, जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा, चुना। मैं पूरी इनकी जो है कमेटी को, पूरी अपनी उनकी टीम को जिन्होंने इसको चूज किया मेरे नाम को, मैं बहुत बधाई देता हूँ। और मानव रचना से मेरा जुड़ाव रहा और इसके साथ साथ मैंने इंडस्ट्री के लिए, मैं फिजावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रधान भी रहा, पिछले 5 साल से मैं इंडस्ट्री की सेवा कर रहा हूँ। ऑनर्स कॉलेज में मैंने अपना 80% दिया गया है और इतना मैंने योगदान दिया है इंडस्ट्री के अंदर, और जो है उसमें मैंने अपने प्रयास किया है कि किसी डेडिकेशन के साथ इंडस्ट्री में आगे बढ़े लोग, क्योंकि फूड इंडस्ट्री के साथ साथ फरीदाबाद में ऑटो कंपोनेंट्स की इंडस्ट्री है, सभी को साथ दे के चले और सभी के साथ हमने काम किया और अपने उद्योग क्षेत्र को, अपने औद्योगिक संगठन को आगे बढ़ाया और अच्छे कार्यों में साथ साथ सोशल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट किया, उसके कारण से मुझे मिला। मैं बहुत दिल से शुक्रिया भी हूँ मानव रचना परिवार का, मानव रचना इंस्टीट्यूशन का, जो उन्होंने मेरे को चूज किया, ये डिग्री दी और इतने बड़ा सम्मान दिया जिसके मैं पात्र नहीं था। हालांकि मैं बहुत धन्यवाद अपना करता हूँ कि अपने आप को भी धन्यवाद मानता हूँ कि इस पात्र लायक समझा उन्होंने। जी बत्रा जी, मैं कहूँगी डॉक्टर एच के बत्रा जी, जब ये उपाधि मिली उसके बाद भी चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, आप इतनी बड़ी फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज को भी हैंडल कर रहे हैं, आप रोटरी के साथ भी जुड़े रहते हैं, बहुत सारे सोशल वर्क में जुड़े रहते हैं और अक्सर हमने देखा है ब्लड डोनेशन कैंप्स में आप अक्सर आगे होते हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं, सोशल गैदरिंग्स में आप सबसे आगे होते हैं। तो ये पिछला पूरा साल घर में बिता रहा आप, कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जहां पर वो खाने की आइटम्स बना रहे हैं जो आम घरों तक पहुंचनी है और वो नहीं लॉकडाउन में रुकी बिल्कुल भी, तो आपके लिए वो चैलेंजेस कितने हैं? पहले तो मैं आपको बताऊँ की पहला जो कोविड का 19 का पीरियड था, लॉकडाउन से 22 मार्च से जो स्टार्ट हुआ पीरियड, हमने घर पे बैठ के नहीं बिताया, उन दिनों में हमने कोरोना वायरस की तरह काम किया जी। लॉकडाउन के अंदर भी मेरे और मेरे ड्राइवर का पास बना हुआ था, मेरे स्टाफ का पास बना हुआ था, हम एसेंशियल कमोडिटी इस्तेमाल करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको चलाना, उसको लोगों को होता है तक पहुँचाना, लोगों को किसी तरह का पैनिक ना हो सिचुएशन, ऐसी एडमिशन से भी हमें कॉल थी और ऐसे हमारी अपनी बीमारी भी है ऐसे मौके पे कि अपने आप को भी हमें बीमारी से बचाना और अपने परिवार को भी बचाना, अपने स्टाफ को भी बचाना था, अपने वर्कर्स को भी बचाना था और वहाँ की हाइजीन कंडीशन हमने मेंटेन की उस मुताबिक COVID-19 के तहत, वहाँ हमने कोविड की ट्रेनिंग कराई उन्होंने अपने स्टाफ को, PPE किट लगा कर हाइजीन किया और पूरी सैनिटाइजेशन के साथ गाड़ियों को, वर्कर्स को सारे टेम्परेचर चेक करके उनके लेते थे, उनके खाने का इंतजाम, उनके पीने का इंतजाम, सोने का इंतजाम, उन दिनों में हमने कोरोना वायरस को काम किया। मेरे ख्याल आपको शायद आपको भी इस चीज़ को मानना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में हमने, मैं ऑल इंडिया ब्रेड मैनुफैक्चर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और इस नाते मुझे वहाँ सभी को गाइड करना भी था, किसी की यहाँ कोई अलग तरह की प्रॉब्लम थी, किसी को रॉ मटेरियल सप्लाई की दिक्कत भी आई, साथ साथ हमारे यूनिट चलाने के साथ साथ रॉ मटेरियल जो कि लॉकडाउन में गाड़ियाँ रुकी थी, कमर्शियल गाड़ियाँ, माल आना जाना बंद हो गया था 15 दिन बाद, लेबर की भी काफी लेबर की प्रॉब्लम हुई, लेबर भी माइग्रेट करने लगी थी,
तो हमने बड़ा उनको अपना समझाया और बड़े हमने उसको रॉ मटेरियल को मेंटेन किया, चेन को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलके डायरेक्ट हमारे अपने उनसे अपने जो है संबंध थे और डायरेक्ट हमारा कम्युनिकेशन था और हमारा ऑफिस जो है टच में था उनके साथ, होम मिनिस्ट्री के साथ और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के साथ। तो हमने किसी भी तरह की किसी यूनिट में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आने दी और आपको बड़ी अच्छी बात है और सारी किसी भी बेकरी इंडस्ट्री में हमने इतनी हाइजीन कंडीशन और इतनी कोरोना से रिलेटेड हमने जो स्टेप उठाए थे कहीं भी हमें कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं मिला और ये हमें पूरी इंडिया को बेकरी इंडस्ट्री की कमी नहीं फील होने दी, ये मेरा पूरा दावा है। बिल्कुल बिल्कुल, और वाकई एक फूड इंडस्ट्री को इतने तरीके से चलाना और वो भी कोविड के टाइम में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है क्योंकि जहाँ भी हम देख रहे थे जरा सा कोई जगह खुलती थी तो वहाँ पर तुरंत पॉजिटिव हो जाते थे केसेस, एक भी इन्फेक्टेड आ जाता था तो पूरे का पूरा ऑफिस जो है वो बंद करना पड़ता था, सील करना पड़ता था। और ऐसे में एक सक्सेसफुल तरीके से फूड इंडस्ट्री को रन करना है, ये बहुत बड़ी बात है। अपने ही पूरी समाज की और जितने हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं सबकी हमने गाइडेंस भेजी उनको और उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे फेसबुक पे अपना साथ में टच में रहे। जी बिल्कुल, अब बात करते हैं थोड़ी सी पर्सनल लाइफ क्योंकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट खासतौर पर से जब फूड इंडस्ट्री से जुड़े डेली का काम है, कोई ऐसा नहीं है कि आप थोड़े समय के लिए प्रोडक्शन रोक सकते हैं, ये इसमें नहीं होता, तो ऐसे समय कैसे निकालते हैं आप अपनी लाइफ? समय इसलिए निकाल पाते हैं कि हम अपने जो यूनिट्स का अपने मैनेजमेंट रखता है प्रोफेशनल वे में और पूरी टीम के साथ हम करते हैं और बड़ी उनको विश्वास में लेके काम करते हैं, उनके प्रति अपना जो उनकी अपनी जो एक सुविधा है उनको पूरी देते हैं, उनका खास ख्याल रखा जाता है कि उनको किसी तरह की कोई कमी ना हो। और एक सबसे बड़ी भावना है कि इसमें विश्वास कायम है आपस में कि कोई अपना ईमानदारी का तरीका रहे, तो किसी तरह की उनके मन में कोई ख्याल ही ना आए कि हमें इस तरह कोई अपना गलत सोचना है। और पूरी टीम मेरे पे गर्व है, मैं अकेला इस इतनी बड़ी यूनिट अपने पूरे ग्रुप को जितनी यूनिट्स हैं नहीं चला सकता, लेकिन इस ग्रुप में जितने लोग हैं बड़े ईमानदार जुड़े हुए हैं, मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ और पूरी टीम के साथ मैं अपना पूरा मेरे पे विश्वास है, मेरा उन पर विश्वास है कि वो हमेशा हमारे परिवार का ख्याल रखते हैं बत्रा जी, और ऐसे मैनेजमेंट हमारा ख्याल करता है, हम मैनेजमेंट का कोई नुकसान नहीं होने देते। ये कोरोना काल में उन्होंने साबित करके दिखाया भी है और ऐसे कोरोना काल में हमने पूरे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में यही अपना मैसेज दिया कि कैसे आप इसको अपने स्टाफ के साथ मिलकर चलो, उनको पूरा ख्याल रखो, उनके सोने बैठने खाने पीने का ख्याल रखो, उनके बच्चों परिवारों का साथ ख्याल रखो। हमने उनके परिवारों के लिए सैनिटाइजेशन के लिए जो है वो भी भिजवाए, कैप्स भिजवाई, हमने मास्क भिजवाए, हमने अपना हैंड ग्लव्स भिजवाए, उनकी फैमिली भी इस कोरोना पीरियड में ठीक रहे और उसके अलावा जितना उनका हम लोग ख्याल रखते हैं फाइनेंशियली वाइज भी वो भी हमने उनका अपना रखा और इसी तरह से ही टाइम निकल पाता है और टाइम फैमिली के साथ हम दे पाते हैं, वो वही की टीम की वजह से दे पाते हैं। टीम अच्छा काम करती है, टीम भावना से काम करती है, टीम अपना पूरा सहयोग करती है, हम एक दूसरे के पूरक हैं और आप एक दूसरे के अपने ग्रुप के प्रति समर्पित हैं। जी तो ये तो बात हो गई उस परिवार की जो आपकी कंपनी का परिवार है, लेकिन अभी आपके परिवार की बात करते हैं, आपके परिवार में कौन कौन है और उनके लिए समय कैसे निकालते हैं, क्या हॉबीज हैं? मेरे परिवार में दो बच्चे हैं, बेटा बेटी बहू और दो पोते हैं, साथ में मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं जो पिता जी मेरे 94 ईयर ओल्ड हैं, मदर 90 ईयर ओल्ड हैं और उनके साथ बड़ा समय बिताना सब बहुत अच्छा लगता है और उनके साथ समय आधा घंटा जरूर देना भी पड़ता है, उनको उनकी बात भी सुननी पड़ती है, अपने कितना भी टाइम हम बिजी हों उनको जरूर देना पड़ता है, उनकी संतुष्टि के लिए, उनके सेहत के लिए, उनके जो भावनाओं के लिए, और हम बड़ा अच्छा लगता भी है कि जिंदगी का जो उनका बस पूंजी है तजर्बे की उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उनको कैसा गर्व महसूस होता होगा कभी कभी वो तो बताते नहीं है लेकिन उनको बड़ा गर्व फील होता है
कि वाकई में मेरे बेटे ने अपना जो मुकाम पाया या जिस अपनी जिस तरीके से हमें रखा है, जिस तरीके से मेहनत कर रखा है, उससे हमें लगता है कि हम एक कामयाब अपना जो है अच्छा अपनी शिक्षा दी है, हमने इसको अच्छा आशीर्वाद दिया है और आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। ये कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें आप अपना अच्छा किया और आप अच्छा करो और अच्छे जो है आपको सुविधाएं मिले और अच्छा आप समाज की सेवा करो। उनको पता है मैं समाज से भी जुड़ा हूँ, आपको भी पता है मैं समाज से जुड़ा हूँ। हर साल माता की चौकी भी कराना आयोजन होता है हमारे यहाँ, पिछले कोरोना काल में नहीं करा पाए हम इसका अपना जो है, और उस के नाते मैं अपना रोटरी क्लब से भी जुड़ा हूँ साथ साथ, और शहर की तमाम इंडस्ट्रियल और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूँ। इवन ही मैं छतरपुर मंदिर दिल्ली का ट्रस्टी भी हूँ और वहाँ से भी अपना सेवा का मौका मुझे मिलता है। तो ये सारी हॉबीज मेरी साथ साथ रहती हैं। घर में आकर मिसेज को भी टाइम देना पड़ता है, बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है और पौधों के साथ भी रहना पड़ता है, और इसके साथ साथ हमें न्यूज़ भी देखनी अपडेट भी रखना पड़ता है अपने आप को, और नहीं अपडेट रखते चाहे फेसबुक के उससे, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, चाहे मेल के थ्रू, चाहे अपना सोशल मीडिया के थ्रू, अपने आप को अपडेट रखना बहुत ही जरूरी है इस पोजिशन पर आकर। और इसके साथ साथ अपनी ग्रुप में जो हलचल हो जाती है कोई ना कोई अपना, उसको भी अपडेट रहना बहुत जरूरी रहता है, और बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है, और साथ साथ दिमाग को भी रेस्ट देना होता है। उसके लिए हम थोड़ा पुराना म्यूजिक भी सुन लेते हैं, ये उससे हम समय पास हो जाता है। घर में एक अच्छा वातावरण है, बहुत जो है शांति प्रिय टाइम बिताते हैं जिससे कि आप हम बैलेंस कर पाते हैं सभी चीजों जी जी। और आपको पार्टीज का भी काफी शौक है, आप पार्टीज में भी अक्सर होते हैं जो सोशलाइट के तौर पर, और वैसे भी एंजॉय करना बहुत पसंद। नहीं ऐसा नहीं कि सोशल जरूर है, लेकिन सोशल के होने के नाते सभी बुलाते भी हैं, जाने की जिम्मेवारी भी होती है, और उनको आने से उनको भी खुशी मिलती है, बुलाने वाले को भी खुशी मिलती है कि हमारे यहाँ भद्रानी आए हैं, तो उनको अपना एक साथ उनके उनका भी मोटिवेशन मिलता है, उनको भी हमारी पार्टी में इतने बड़े बड़े इतने अच्छे लोग आए हैं, तो उससे भी उनका फर्क होता है। जहाँ इज्जत मिले मेरा मानना जहाँ वहाँ जरूर जाना चाहिए, और जहाँ तक रही शौकीन की बात मुझे पार्टी में जाना आधा पौन घंटा, अगर अच्छे ढंग से थोड़ा माहौल भी चेंज होता है और लाइफ स्टाइल भी बदलती है, सीखने को भी मिलता है। चार लोगों से आप बात करते हैं, चार लोगों के बीच में रहने सहने का ढंग भी मालूम लगता है, तो उससे नॉलेज भी गेन होती है बातचीत से, तो ये जाना जरूरी भी होता है, एक थोड़ा सा माहौल को बदलना भी जरूरी होता है। बिल्कुल, पुराने गाने सुनने के शौकीन हैं आप जी? फिल्में वगैरह देखते हैं? फिल्में पहले देखते थे कोरोना के बाद से, अभी कोरोना के बाद फिल्म तो आजकल वैसे भी ज्यादा आ नहीं रही है, लेकिन हाँ फिल्में देखने के शौकीन हैं। उसके अलावा जब फैमिली के साथ समय बिताने की बात आती है तो घूमना फिरना, हाँ संडे के लिए हमने फिक्स किया हुआ है, फिर हम देखना है खाना खिलाने जाना है फैमिली को, और उसके अलावा कोई शॉपिंग करनी है या उसके अलावा कोई अपनी किसी मार्केट को या मॉल को घूमने जाना, यही बाहर भी रखते हैं, बाहर भी रखते हैं, बाहर भी टूर रखते हैं, तो टूर अपना हमारे इंडिया में रहते हैं, दो टूर बाहर भी रखते हैं साल के अंदर, इस तरह का प्लान रूपे का बना रखिए। ऑफिस और पर्सनल दोनों लाइफ में बैलेंस बना के चलना, अच्छी बैलेंस रखिए जिससे कि कोई किसी काम में रुकावट ना आए, किसी घर से भी कोई किसी को मौका ना मिले कि आप काम देखते हैं तो हमें टाइम नहीं देते, ऐसा भी उनको मौका नहीं मिलता है। वो कहते हैं फैमिली के कर रहे हैं और साथ साथ हमें भी देख रहे हैं, ये बड़ी खुशी मिलती है। अब एक बहुत ही जरूरी चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कोई रेस्टोरेंट्स या बड़े होटल्स के शेफ होते तो वो घर पे खाना बिल्कुल बनाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो होटल में ही बनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिशेज बनाते हैं, लेकिन आप फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आपकी जो धर्म पत्नी है, कभी आप उनसे सलाह लेते हैं कि हम ये नई रेसिपी या नया कुछ निकालने वाले हैं तो कुछ एडवाइस देंगे आप इस तरीके की? हाँ, वो जरूर उसमें हम चेक कराते हैं, लेकिन उनका चेक करने के साथ साथ उनकी फीडबैक लेते हैं, हालांकि अपनी फीडबैक लेते हैं, कमी निकालना या अच्छाई बताना वो एक उनको नोट कर लिया जाता है, अगर सुधार भी गुंजाइश होती है सुधार भी करते हैं, जो अच्छा चीज है अगर बताते हैं उसको हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वो इतना ही फीडबैक के लिए काम करते हैं, ज्यादा इसके लिए
क्योंकि वो रेसिपी हमारे जो अपना प्रोफेशनल तरीके से जो काम कर रहे हैं उन्हीं को ज्यादा छोड़ा। बिल्कुल। और बहुत ही कमाल की बात है कि परफेक्ट बेक एक ऐसा नाम जो एक शहर तक सीमित नहीं पूरे देश भर में पहुंच चुका है। और जैसे कि बत्रा साहब ने बताया, इनको 4 वो पुरस्कार मिले हुए हैं जो अभी तक किसी भी ब्रेड मैन्युफैक्चरर को नहीं मिले। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये हमारे अपने शहर फरीदाबाद की बात है, जिसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 के प्लेटफॉर्म से। सो बत्रा जी, अब चलते जी, क्या खास आज डेडिकेशन की जरूरत होती है, हार्ड वर्किंग की जरूरत होती है, ऑनेस्टी की जरूरत होती है। साथ साथ ये चीज़ें तो होनी चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आज एडवर्टाइजमेंट की भी जरूरत होती है। इसके अलावा आपको इनोवेशन की जरूरत होती है, और आपको इनोवेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट आपको अपनानी चाहिए, जो अवेलेबल है वर्ल्ड के अंदर, जो चीज़ भी आगे अपना बढ़ने के लिए ये चीज़ अडोप्ट कर लेता है, साथ साथ इनोवेशन में टाइम देता है, इनोवेशन में खर्च करता है, एडवर्टीजमेंट में भी जो दौड़ लगाता है वो आगे बढ़ने के साथ इस काम में आसानी मिलती है। और ये सभी इंडस्ट्री के सभी भाइयों को, सभी देशवासियों को, सभी विद्यावासियों को अगर हो सके तो जरूर करना चाहिए, जिससे कि आगे बढ़ने के लिए आसानी हो। जी बिल्कुल, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। कभी भी आगे बढ़ना हो तो ये 2-3 चीजें जरूर गार्ड बांध के रखिएगा, साथ में इनोवेशन का और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का। बिल्कुल, और आज के समय में बहुत ज्यादा आज जमाना बदल चुका है। जब किसी टाइम पे जब हमारे बुजुर्ग काम करते थे, जो टाइम था वो और टेक्नोलॉजी का नहीं था, आज टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम हो रहा है। सभी अपडेट अगर नहीं रहा, कोई इंडस्ट्री अपडेट नहीं रहती तो वो पीछे रहने की उम्मीद करती है। और जो वर्ल्ड में बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल आई हुई है, उसकी अगर अपने आप में आपको अपडेट नहीं किया अपनी यूनिट में, वो भी आप पीछे बढ़ने का पीछे रहने का कारण बन सकती है। नई इंडस्ट्री इसके साथ साथ हमें मास्टर कार और फीएट कार देखने का जो मौका मिला, या मोटरोला को देखने का मौका मिला, या कैमरा जो इतना पॉपुलर कैमरे की जरूरत नहीं रही, ये अगर हम अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहे तो बिल्कुल कहीं मार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आपको पीछे मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, और बहुत बड़ा एग्जांपल है परफेक्ट ब्रेड ग्रुप ऑफ कंपनीज जो समय के साथ आगे बढ़ा है। फूड इंडस्ट्री में बहुत से बदलाव होते रहे हैं, कहाँ केक पहले ऑर्डर दिया जाता था और फिर 2-3 दिन पहले हमें ऑर्डर देना पड़ता था, तब जाके 90s में केक्स मिलते थे। आज आधे घंटे में आपको परफेक्ट ब्रेड से एक बढ़िया सा केक मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही खूबसूरत डिजाइन में। तभी ये फरीदाबाद की नहीं और देश की जाने वाली कंपनी बन चुकी है। परफेक्ट ब्रेक में एक और अच्छी क्वालिटी की बात बताऊं कि हमने सारा थीम टोटल मेरी बेकरी चाहे कमर्शियल हो चाहे अपना जो बेक का हो बिजनेस, इसमें हम कोई भी एग यूज नहीं करते। टोटल जो है एगलेस प्रोडक्ट्स है हमारे, और जो कि हर धर्म का, हर क्षेत्र के, हर उसके व्यक्ति यूज कर सकते हैं, और अपना किसी तरह की कोई शक या किसी तरह का कोई दिमाग में बोझ लाने की। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रोडक्ट्स एगलेस ही खाना चाहते हैं, और वो एगलेस प्रोडक्ट्स जो है परफेक्ट ब्रेड परफेक्ट बेक में पूरे तरीके से एग फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हर प्रोडक्ट एग फ्री होता है, कहीं पर भी एग का इस्तेमाल नहीं होता है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एच के बत्रा जी स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, और एक खास मुलाकात में हमसे मुलाकात करने के लिए। एक खास मुलाकात में आज हमने बात करी श्री एच के बत्रा जी के साथ, CMG परफेक्ट ब्रेड ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज इनके जीवन से जुड़े बहुत सारे पहलुओं को जाना है, वो पहलू जो शायद सामने नहीं आते क्योंकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर विचार अलग होते हैं, व्यापार से जुड़े होते हैं, लेकिन आज हमने बात करी इनके जीवन के बारे में और इनकी सफलता के सूत्रों के बारे में। तो आज एक खास मुलाकात में बस इतना ही, मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते होगी फिर से मुलाकात एक नई शख्सियत कुछ खास सक्सेस मंत्रास के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।